सो यस माई ऑल सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, एक बड़ी न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। आपका रिजल्ट जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आपके सी ए फाउंडेशन के मैथ पेपर में ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपको करने जा रहा हूँ माई ऑल सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को, अदरवाइज़ आप स्किप अगर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिस आउट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लेना अपना प्रेस, ताकि आपको फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिल जाएं और बहुत क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सो लाइक कर देना, शेयर कर देना। लाइक का टारगेट रखता हूँ 100 से ऊपर मेरा लाइक हो जाना चाहिए। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपको याद हो तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। और साथ में अगर मैं स्टैटिस्टिक की बात करूं, जो स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट था उसमें 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ग्रेस मार्क कैसे मिल रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आउट ऑफ 10 से 12 क्वेश्चन किसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, एंड 20 क्वेश्चन किसके थे स्टैटिस्टिक के थे। तो 10 से 12 क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड 20 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक के थे, तो उसमें क्या था, उसमें था 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन वर रॉन्ग थे। तो आपके जो अभी आपका जून 2022 के अंदर एग्ज़ाम्स हुआ है, 30 जून पे जो एग्ज़ाम एंड हुआ है आपका, उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत ही थे। और एज़ पर ICAI, अब इस केस में ICAI के प्रेसिडेंट का क्या कहना है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। ICAI के प्रेसिडेंट ये कहते हैं, क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन एग्ज़ाम एंड एरोनियस, यानी कि जो क्वेश्चन गलत थे, जिन क्वेश्चन में एरर थी या गलत थे कम्प्लीटली तरीके से, देन मैं आपको बता दूँ उसमें देन ग्रेस मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ऑल फाउंडेशन स्टूडेंट। ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड है ऑल, ऐसा नहीं है कि कोई तुम सोचो कि हमारे नंबर सर हमें तो ग्रेस मार्क मिले ही नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है। ICAI के प्रेजिडेंट का कहना है कि सारे के सारे फाउंडेशन स्टूडेंट्स को बराबर तरीके से जितने भी क्वेश्चन गलत पूछे गए थे वो पूरे के पूरे आपको अवार्ड करे जाएंगे ग्रेस मार्क्स। तो मैं अब इसके अंदर आपको और चीज़ें बता देता हूँ। मान लो अगर आपके मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं कितने, मतलब पेपर में जो नंबर आ रहे हैं मैथ के पेपर में, अगर आपके आ रहे हैं मान लो 36 नंबर, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, अगर 36 नंबर आ रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क करके 4 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन हैं गलत, तो वो 4 मार्क्स आपके ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 40, तो आप पास हो जाएंगे ग्रेस मार्क की वजह से। अगर किसी स्टूडेंट्स के मैथ के एग्ज़ाम में अगर नंबर जो आ रहे हैं उन्होंने लगाए हैं, अगर वो 35 आ रहे हैं और क्वेश्चन जो मार्क्स मिल रहे हैं आपको ग्रेस मार्क 4, तो आपके 39 नंबर बैठते हैं, तो उस केस में आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अगर मैथ के पेपर में सोच रहा है कि मेरे 32 नंबर आ रहे हैं, 33 आ रहे हैं, जो भी आ रहा है 32-33 नंबर, उसमें अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करें कि आपको और ग्रेस मार्क दिया जाएगा, ऐसा किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो ऑल फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जो आप वीडियो की बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, इतना टाइम लगा रहे थे कि सर हमें ग्रेस मार्क मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये पहले भी देखा गया है और अभी भी देखा जाएगा, तो ग्रेस मार्क्स आपके कन्फर्म हैं। तो एग्ज़ाम्स के अंदर अभी अगर आप देख लीजिए, अपने पेपर को एनालाइज़ कर लीजिए, आपने जो भी नंबर आ रहे हैं अगर वो 36 आ रहे हैं तो 36 में 4 नंबर ऐड होकर के 40 में आप पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट 35 लगा के बैठा है, अप्रॉक्सीमेटली चांसेस हैं कि उनको 39 मिलेंगे, लेकिन अगर ICAI चाहता है तो उसको 40 दे करके निकाल सकता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के अगर 35 से लेस आ रहे हैं, यानी कि 32, 33, 34 की रेंज में हैं, 32, 33, 34 की रेंज में अगर आप हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सो ऑल माई स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दिया हुआ है आपको टेलीग्राम पे सीए फाउंडेशन का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।